नमस्कार, मैं राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवान आदिनाथ कॉलेज ललितपुर से। हम लोग बीएड सेकंड ईयर पढ़ रहे हैं और बीएड सेकंड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे थे, भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। इसका थर्ड यूनिट चल रहा था और थर्ड यूनिट में हम लोग अभी तक कल तक मुदालियर आयोग कम्प्लीट किया है और आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय शिक्षा आयोग की। भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 इसकी चर्चा करेंगे। भारत की आज़ादी के बाद 16-17 वर्षों तक भी जो है शिक्षा व्यवस्था में कोई उसका आउटपुट, कोई अच्छा आउटपुट नहीं आया, तो उस समय सरकार शिक्षा के प्रति बड़ी चिंतित रहने लगी और उन्होंने इसमें विचार किया गया कि 4-5 आयोग बनने के बाद भी आपका हंटर कमीशन, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, शैडलर आयोग, राधा कृष्णन आयोग और मुदालियर आयोग, ये इतने आयोग बने और इन आयोगों ने अलग अलग जो है अपनी सिफारिशें दी हैं। जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा के लिए कहा, माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के लिए सुझाव दिए, लेकिन इन इतने आयोगों के बाद भी शिक्षा व्यवस्था में जो संतोषजनक जो है सुधार था, जो संतोषजनक रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो इससे चिंतित होकर उस समय के जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर M.C. छागला, उन्होंने कहा, अपना विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया जाना चाहिए और पूरी शिक्षा व्यवस्था में एक फिर से नई ऊर्जा के साथ एक नया आयोग बनाना चाहिए जिसमें सारी शिक्षा व्यवस्था की चर्चा की जाए। उस समय UGC के अध्यक्ष प्रोफेसर DS कोठारी महोदय थे, प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी, उनसे चर्चा की उन्होंने और एक 17 लोगों की एक कमेटी बनाई। उनसे कहा कि आप एक आयोग बनाइए 1964 में। उन्होंने उस आयोग को स्वीकारा कि जी हम बनाएंगे और उन्होंने जो है एक 17 लोगों की कमेटी बनाई और जिसके अध्यक्ष DS कोठारी साहब रहे और उन्होंने अपना प्रतिवेदन 1966 में प्रस्तुत किया। DS कोठारी चूंकि इसके अध्यक्ष थे इसलिए इसे कोठारी कमीशन भी कहा जाता है, ठीक। और इन्होंने जो है 29 जून 1966 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तो अब हम लोग चर्चा कर लें आयोग का प्रतिवेदन जो इन्होंने प्रस्तुत किया, उसको कैसे तैयार किया, कैसे बनाया है, किन किन लोग इसमें शामिल रहे। तो इसमें बताया गया है कि कोठारी आयोग ने संपूर्ण भारत की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया और इससे पूर्व जितने भी आयोग बने उन सारे आयोगों का स्टडी किया है इसमें, और स्टडी करने के बाद उनकी वैज्ञानिक विधियों को जाना। और इसके बाद इसमें उन्होंने कई विचारकों, विद्वानों, शिक्षाविदों से चर्चा की, उनके विचारों को जाना, लोगों से चर्चा की और इसे तैयार करने में उन्होंने जो है प्रश्नावली, साक्षात्कार तथा स्वयं निरीक्षण विधि व अनुभव के आधार पर निष्कर्ष ज्ञात किए। और आयोग ने प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के विभिन्न पहलुओं से संबंधित प्रश्नावली तैयार की और लगभग इसमें 5,000 लोगों ने इसमें 5,000 लोगों पर इसको प्रशासित किया गया। इतने लोगों से राय ली गई और उन पे सब लोगों की सुझाव जानकारी फिर उन्होंने 29 जून 1966 को 692 पन्नों का एक विस्तृत जो है प्रतिवेदन तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर M.C. छागला महोदय को उन्होंने प्रस्तुत किया। इसके बाद हम लोग अब चर्चा कर लें कि इस कोठारी कमीशन के उद्देश्य क्या थे, इसके कार्य क्या थे। तो इसके कार्यों में, इनके उद्देश्यों में सबसे पहला इन्होंने बताया कि भारत के लिए एक व्यापक शिक्षा योजना का निर्माण करना सबसे पहला उद्देश्य था। भारतीय शिक्षा की तत्कालीन जो कमियां थीं उन कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करने का सुझाव देना। इसके बाद इसमें अगला उद्देश्य था इनका कि पूरे देश के लिए प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के विकास से संबंधित सुझाव देना।
गुणात्मक शिक्षा, शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए सुझाव देना और शिक्षा के विभिन्न पहलुओं, अगला इसमें उद्देश्य बताया कि शिक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे संगठन, नियोजन, प्रशासन, वित्त, उद्देश्य, तकनीकी शिक्षा, कृषि पाठ्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा, वुमेन्स एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा, ये सारी शिक्षा की चर्चा करके उनके प्रति उनका सुझाव देना, ये कोठारी महोदय के उद्देश्य थे इस आयोग को बनाने के, इस कमेटी को बनाने के। भारतीय शिक्षा आयोग, आज हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे, इसके आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।